आप लोगों को बॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ कैसी लगती हैं? मुझे तो अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन मूवीज़ में ना हॉरर कम होता है, फ़नी ज़्यादा होती हैं। इसी तरह जियो सिनेमाज एक बार फिर आप लोगों को डराने के लिए लेकर आए एक सो कॉल्ड हॉरर मूवी आउट ऑफ टाइम। Until next time. अब ये मूवी कैसी है और इसमें हॉरर कितना है ये जानने के लिए तो आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। इस मूवी का जो प्लॉट है वो बेस्ड है टाइम लूप पर। इस मूवी में आप देखेंगे एक लड़के को जिसका नाम है समीर, उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसकी मदर की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। सब सही चल रहा था उस दिन तक जब वो लापता हो गए। मेरा संजय का है, संजय! माम की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से। समीर के फादर की डेथ का राज या फिर गायब होने का जो राज है वो जुड़ा हुआ है ब्रिटिश मेंशन मैक्सवेल हाउस से। इस हाउस को हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। समीर मैक्सवेल हाउस जाता है अपने फ्रेंड के साथ अपने फादर की डेथ का राज ढूंढने के लिए, और राज ढूंढते ढूंढते समीर एक टाइम लूप में फंस जाता है। तुम विश्वास नहीं करोगे पर अभी वाले गुरु में एक और समीर है। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। Everything is repeating like a loop, like a time loop. इसी दौरान समीर के फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है। अब समीर के फादर की डेथ का राज और इस हॉन्टेड हाउस की मिस्ट्री क्या है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। हम अपने बीते हुए कल से भागकर अपने आने वाले कल को नहीं संवार सकते। वैसे इस मूवी को देखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी की जो टोटल लेंथ है वो 1 घंटा 32 मिनट है। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में आपको ये मूवी पक्का बोर करने लगेगी, लेकिन जहाँ समीर टाइम लूप में फंसेगा वहाँ से मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपको बांध करके रखेगी। सब कुछ पहले जैसा हो रहा है पर ऐसा कैसे? तुम समीर हो तो फिर ये वो भी समीर है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस मूवी का जो प्लॉट है वो टाइम लूप बेस्ड है, तो हम इस मूवी को हॉन्टेड नहीं कह सकते। इस मूवी में हॉन्टेड जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डराए। हाँ, एक दो सीन ऐसे हैं जो आपको हिट करेंगे, लेकिन उसको हॉरर वाली कैटेगरी में हम लोग नहीं डाल सकते। इसलिए इस मूवी पे जो हॉरर वाला टैग है ना वो गलत है, ये मूवी हॉरर नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि टाइम लूप ही तो बेस्ड है मूवी, इसमें नया क्या है? आजकल तो हर दूसरी मूवी टाइम लूप पर ही बनती है। ठीक है, मान ली आपकी बात, लेकिन ये मूवी रिलीज तब हुई है, बन तो बहुत पहले गई थी। ये मूवी लगभग 2018 के आसपास बन गई थी, लेकिन इस मूवी को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया और ना ही ये मूवी थिएटर पर रिलीज़ हो पाई। इसलिए ये मूवी अब जा कर के जियो सिनेमाज पर रिलीज़ हुई है। तो 2018 के अकॉर्डिंग ये जो टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट था वो नया भी था और यूनिक भी था। 2023 में तो ये कॉन्सेप्ट कॉमन हुआ है, इसलिए अगर हम 2018 के अकॉर्डिंग सोचें तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस मूवी की जो प्रेजेंटेशन है, जो स्क्रीन प्ले है, वो बिल्कुल बेकार है। इस मूवी में ना हॉरर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इसमें हॉरर एलिमेंट्स डाल करके ना चीज़ें ख़राब की गई हैं। वो सब नहीं करते तो ज़्यादा बेटर रहता। और क्लाइमेक्स से पहले एक दो सीन्स ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी है। अरे भाई, मूवी को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा कनेक्शन बनने दो, थोड़ी डेप्थ बनने दो। अगर ये सब चीज़ें होती तो मूवी अच्छी लगती ना, लेकिन नहीं, इन सब चीज़ों की मिसिंग होने की वजह से इस मूवी का क्लाइमेक्स एवरेज रह गया। इस मूवी में आपको कनेक्शन जैसी कोई चीज़ दिखेगी ही नहीं, ना मूवी में डेप्थ है ना स्पार्क है। मतलब मूवी स्टार्ट हुई, मर्डर हुआ, ख़त्म, सब नॉर्मल। अरे कोई इमोशन नहीं है, इमोशनली आपको कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल फीके हैं। कैरेक्टर से अटैचमेंट एक एक्टर बनाता है, और अगर एक्टर की एक्टिंग ही बेकार हो तो कोई अटैचमेंट ही नहीं बन पाता। इस मूवी में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आप इस मूवी को केवल देखने के पर्पज से देखोगे, आपको इस मूवी में कुछ फील नहीं होगा और ना ही इस मूवी के कैरेक्टर्स के लिए आप कुछ फील करोगे। अगर एक्टिंग सेक्शन की बात करें तो इस मूवी में ना तो कोई सीनियर एक्टर है, ना कोई वेल नोन एक्टर है। एक दो छोटे मोटे एक्टर्स हैं, उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग करी है, बाकी सब ने इसमें बिल्कुल बेकार एक्टिंग करी है। हाँ, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, और इसमें एक पियानो ट्यून है जो काफ़ी अच्छी है। अगर स्कोरिंग की बात करें तो हम इस मूवी का स्कोर करेंगे 2.5 out of 5। ये मूवी ए रेटेड है, लेकिन ए रेटेड जैसा इस मूवी में कुछ नहीं है। ना इसमें कोई वल्गैरिटी है, ना कोई न्यूडिटी है, ना कोई गालियाँ हैं, और ब्रुटैलिटी तो इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। इन टोटल इस मूवी का प्लॉट अच्छा है, इसमें हॉरर जैसा कुछ नहीं है, हम इस मूवी को हॉरर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हाँ, इस मूवी की स्टोरी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और इसी वजह से ये मूवी चल रही है।
इस मूवी में पोटेंशियल है और अच्छा करने का, लेकिन वो तभी पॉसिबल था जब इस मूवी में थ्रिल और हॉरर बहुत तरीके से डाला जाता और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस मूवी को तरीके से प्रेजेंट करना। अगर ये मूवी अच्छे से प्रेजेंट की जाती तो ये मूवी और अच्छी लगती। एनीवेज, अगर आप लोगों को खाली देखने के पर्पज़ से इस मूवी को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस मूवी से एक्सपेक्ट करने लायक कुछ भी नहीं है। कोई उम्मीद लगाकर इस मूवी को मत देखना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और रिव्यूज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।